साथियों, आप लोगों को मेरा सलाम, जिंदाबाद, क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, वैसे तो मेरी कमर नहीं, देश के युवाओं की कमर तोड़ दी है सरकार ने, तो बहुत हालत खराब है। जिस तरीके से हम बहुत लेट चल रहे थे, इसलिए मैंने ये सुझाव अध्यक्ष जी को इस सत्र के दिया था कि कुछ अलग बोलना। ऐसे उसमें जब उद्घाटन सत्र में HMS के साथी हरभजन सिंह सिद्धू से लेकर सभी साथियों ने शिक्षा और बेरोजगारी को कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में रखा, उसे अधोरेखित करना वो बड़ा, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े समाजवादी सम्मेलन में युवा, शिक्षा और रोजगार, ये अपने आप में कई दिनों के भी डिस्कस करने के विषय हैं, तो उनको 5 या 10 मिनट में समेटना मुश्किल है। मैं बहुत ही संक्षेप में दो चार बातें, क्योंकि लोगों के समक्ष हमेशा कहा जाता है कि समाजवादियों को माइक मिलता है तो छोड़ते नहीं है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचती हूँ। साथियों, जिस तरीके से कहा गया कि युवा इस देश में बहुत बड़ी तादाद में है, भारत युवाओं का देश है, युवा भारत है, इस तरीके की कई टिप्पणियाँ और चीज़ें बातें हुई 2020 तक, तो शायद भारत में एक बात ये कही जाएगी कि युवाओं का देश है, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन युवा सड़क पर और चौपालों पर बैठकर ताश और पत्ते खेलने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था ने, जो कि नीरज ने भी बहुत ही सुंदर आंकड़ों में रखा, कि युवाओं को अपंग बना दिया गया है कि वो कहीं एक जगह बैठे रहें और वो कुछ ना करें। और यहाँ संदीप पांडे जी मौजूद है, अगर वो बोलते तो शिक्षा पे बोलते कि किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक उनको पंगु बनाने का काम किया जा रहा है, वो शिक्षित ना हो इसकी कई सारी चीज़ें की जा रही है और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाई बहन को याद करने का दिन है, क्योंकि वो KG से PG तक की मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं और समाजवादियों के इस मैनिफेस्टो में वो बात कही गई है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ है 2010, वो अधूरा एक्ट है, उसे पूरा करना चाहिए। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए, और वो सबको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हो, अच्छी यूनिवर्सिटियों की शिक्षा हो। और आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कई सालों से, यानी पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स और युवा कितने आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, इसके बाद बहुत ही संक्षिप्त में 1-1.5 मिनट में मैं रोजगार की बात कहना चाहूँगी। वैसे तो इस सरकारी आंकड़े के हिसाब से मैं भी बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं भी इस सामाजिक कार्यों में हूँ और मैंने कहीं किसी उसमें नहीं दिया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की फरवरी की रिपोर्ट भी कहती है कि इस देश में 39 करोड़ लोग जिन्होंने रजिस्टर बस किया है वो बेरोजगार हैं। और सरकार इस बार ये कह रही है कि हम 6 लाख रोजगार पैदा करेंगे इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष। आप तो जानते हैं 2 करोड़ की बात की थी, 70 लाख रोजगार दिए, ऐसी हम ही बढ़ते हैं, लेकिन 39 करोड़ लोग जो रजिस्टर हैं उनके लिए सिर्फ 6 लाख रोजगार, एक अलजब तरीके की सरकार चलाई जा रही है। और इस मैनिफेस्टो में इसलिए कहा गया है कि युवा रोजगार मांग रहा है, और रोजगार जो आपको देना है उसका निर्माण है। रोजगार कृषि में बढ़ सकते हैं, जिसका उल्लेख नीरज ने कहा कि अगर कृषि में सरकार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा लागत लगानी शुरू कर दे, पैसे देना शुरू कर दे, तो वहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार निकलेंगे। दूसरा, सार्वजनिक सेवाएं जितनी भी हैं, अस्पताल हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, कई सारी जितने भी आप उन लोगों को अधोरेखित कर सकते हैं, उन सब जगह अगर सरकार उसे पब्लिकली चलाए तो उस सब जगह में बड़े पैमाने पर
शिक्षा बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरी जो एक बात है कि अगर ये सरकार प्राइवेट सेक्टर्स जो कि अपनी मनमानी से चल रहे हैं उसमें अगर एक तरीके से दबाव बनाए तो वहाँ भी शिक्षा का मतलब जितने शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं उनको वहाँ पे दुगनी रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो इस देश की रीढ़ की हड्डी बनी जिसमें बहुत सारे लोग हैं इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, साथियों गांधी जी यही कहते थे और समाजवादियों के एजेंडे में ये था, जितने कुटीर उद्योग हैं लघु उद्योग हैं इस जो निरंतर बंद हो रहे हैं इसको फिर से जीवित करने की ज़रूरत है, इसमें रोजगार बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम चीज़ें जो समाजवादी मैनिफेस्टो में की गई है, अफकोर्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे अब आनी बाकी है, लेकिन मेरे मतलब एक युवा के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है सोशलिस्टों द्वारा बना है, इसे हम लोगों को लागू करवाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, बहस करना चाहिए, इसे और मजबूत बनाना चाहिए और इस पर पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। शायद 2019 में लड़ने का सबसे प्रमुख दस्तावेज बना सकता है। एक आखिरी बात,